तो ऋतु जी की बोलेक डिफॉर्मिटी हो गई है, यानी कि जो गैप है बिटवीन द नीज़ वो एंकल से ज़्यादा है। ये टिपिकल डिफॉर्मिटी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो कि उम्र के साथ हो जाता है। आप बहुत संभल कर चलते हैं, आपको पेन होता है और आपको हर वक्त ये डर लगता रहता है कि कहीं आप गिर ना जाएं। तो धीरे धीरे आपकी मूवमेंट्स, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एक्टिविटीज़ कम होती चली जाती हैं। एंड शी इज़ जस्ट 52, कुछ ज़्यादा उम्र नहीं है, बट उसके बावजूद भी शी इज़ लिमिटेड बाई ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऋतु वर्मा जी का बेसिकली आर्थराइटिस है बोथ साइड्स, बट इधर आर्थराइटिस ज़्यादा है और इधर वेरस डिफॉर्मिटी भी ज़्यादा है, दैट्स वाई देर इज़ अ गैप बिटवीन द नीज। नॉर्मली जैसे हम खड़े होते हैं तो जब एंकल टच करते हैं तो नी भी टच करते हैं, ये इसलिए टच नहीं कर रहे कि डिफॉर्मिटी है ऐसी। मिडिल कंपार्टमेंट में जो कार्टिलेज है वो ख़राब हो जाता है, तो एंगल चेंज हो जाता है, इधर ज़्यादा है इधर कम है। तो जब हम सर्जरी करेंगे एंगल भी करेक्ट होगा, गैप भी इक्वल हो जाएगा और ये जो डिफॉर्मिटी है ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। कल से हम चलना शुरू करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो इवनिंग आप टॉयलेट अपने आप जा पाएंगे विद ए वॉकर, और दो दिन के अंदर ही मुझे उम्मीद है कि आप सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे। ये हमारा प्लान है, उसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर पेन एंड योर कॉन्फिडेंस। ऋतु का ये एक्सरे है बिफोर सर्जरी, इसमें आप देखेंगे कि टिपिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस की पिक्चर है। दिस बोन इज फीमर, नीचे वाली बोन को हम टिबिया कहते हैं, एंड नॉर्मली देर शुड बी स्पेस बिटवीन द टू बोन्स, व्हाट वी कॉल जॉइंट स्पेस। सो दिस स्पेस इज एक्चुअली कार्टिलेज, बट ऑन दिस साइड आप देखेंगे कि यहाँ कोई स्पेस नहीं है, दोनों बोन्स आपस में टच कर रही हैं, बिकॉज जो पूरा कार्टिलेज था वो डैमेज हो गया है, और इसी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। अगर आप इधर भी देखें तो इधर जॉइंट स्पेस कम है, इधर बहुत नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल, तो यहाँ पे बोन बिल्कुल टच कर रही हैं। तो आर्थराइटिस की वजह से क्या होता है कि हमारी लेग जो सीधी होती है वो ऐसे टेढ़ी हो जाती है, जिसको बो लेग्स कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द नीज इंक्रीजेस, तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, बो लेग्स हो जाती हैं। तो ड्यूरिंग रोबोटिक सर्जरी पहले हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि कितना डेविएशन हो गया है, पैर कितना टेढ़ा हो गया है, और उसके अकॉर्डिंगली ही रोबोट हमें कैलकुलेट करके बताता है कि हमें इस एंगल को इतना करेक्ट करना है। सिमिलरली ऑन दिस साइड, तो सर्जरी में हमारा पर्पज़ है कि इस गैप को बढ़ाना है, अलाइनमेंट को ठीक करना है, और पेशेंट का जो वॉकिंग स्टाइल है उसको बिल्कुल चेंज करना है। तो ऋतु जी का हम ये एक्सरे देख रहे हैं आफ्टर सर्जरी, नाउ इट्स 8 मंथ्स, सिक्स मंथ्स के बाद आए हैं एक रिव्यू एक्सरे के लिए, ये नया एक्सरे हमने किया। तो इसमें पहली चीज़ है कि हमारा जो अलाइनमेंट है जो फीमर और टिबिया का, जो कि नॉर्मली होना चाहिए, दैट मीन्स 6 डिग्री आउटसाइड, यानी कि एंगल हमारा यहाँ होना चाहिए इंस्टेड ऑफ द अदर वे राउंड। तो यहाँ भी आप देखेंगे फीमर इधर है और हल्का सा टिबिया इधर जा रही है, तो हमारा टिबिया हमेशा फीमर से थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है 6 to 7 degrees, सो दिस इज़ द नॉर्मल एंगल। लेकिन जब वायरस डिफॉर्मिटी हो जाती है तो टिबिया यानी कि जो लेग है वो अंदर की तरफ चली जाती है, जिसको हम बो लेग डिफॉर्मिटी कहते हैं, जो कि पहले थी। तो हमने वो सारा कैलकुलेट करके, जब भी हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो हम ये सारा कैलकुलेट करके तभी इम्प्लांट लगाते हैं। तो इम्प्लांट की जो पोजीशनिंग है दैट हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेट, और आप देखेंगे ये लैटरल व्यू है, इसमें भी बिल्कुल मैचिंग इम्प्लांट्स हैं, और ये जो स्पेस हमारा चला जाता है आर्थराइटिस में, इसको हमने रिक्रिएट कर दिया। तो दिस इज़ बेसिकली नी रिप्लेसमेंट, कि हमें फीमर और टिबिया के बीच में गैप को रिक्रिएट करना है, ताकि ये बोन्स आपस में फिर से रब ना करें, डिफॉर्मिटी करेक्ट करनी है, और उसके साथ साथ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ऋतु जी की मूवमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले वसली, मेन एम ऑफ द सर्जरी इज़ कि हमें जो मूवमेंट्स हैं वापस लानी है और पेन को ख़त्म करना है। तो पहले देखते हैं राइट साइड, तो आप देखिए फुल एक्सटेंशन है। अगर आप इधर से साइड से देखें तो फीमर एंड टिबिया आर ऑन द सेम लाइन। एक बार होल्ड करिए, शी कैन होल्ड इट वेरी वेल, बिल्कुल पूरा मूवमेंट है। और कितना बेंड कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 120 डिग्री मूवमेंट है इस तरफ। इसको करेंगे, इसमें भी आप देखेंगे कि दे इज़ फुल एक्सटेंशन, टिबिया एंड फीमर आर ऑन द सेम लाइन। इसको बेंड करें एंड मूवमेंट इज ऑलमोस्ट 120 डिग्री, और अभी 6 मंथ हुए हैं, हम जैसे जैसे और प्रैक्टिस करेंगे मूवमेंट बढ़ेगी। लाइफ में क्या चेंज आया है? लाइफ में मेजर चेंज आया है, वेयर आई कुड नॉट इवन वॉक फॉर 10 मिनट्स, नाउ आई एम वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स एट अ स्ट्रेच, एंड आई कुडंट इवन स्टैंड इन द किचन विदाउट माय नीज स्टार्टेड पेनिंग, बट नाउ आई एम डूइंग ऑल माय वर्क वेरी कंफर्टेबली विदाउट एनी पेन। फ्री फील कर रहे हैं थोड़ा सा, पहले सारा फोकस यहीं रहता था। बिल्कुल, पेन किलर भी लेना पड़ता होगा शायद कभी कभी, पहले बहुत लेना पड़ता था। हाँ, बट नाउ अब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब आपका मन करता होगा कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, मैं किसी
पार्टी फंक्शन में पार्टिसिपेट करूं, बिकॉज़ आई कुड नॉट नेविगेट द स्टेयर्स। हाँ, तो मेरा घर से निकलना बहुत कम, तो बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस से बाहर हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन बिकॉज़ माय स्टेयर्स ही है, सो ऑलमोस्ट लाइक टू फ्लोर्स। हां, तो अटेंडेंस इट वाज रियली इंपॉर्टेंट। हां, सो यूज्ड टू अवॉइड गोइंग आउटडोर बेसिकली, इट यूज्ड टू हर्ट अ लॉट बेसिकली, दैट वाज द मेन थिंग, कि दर्द मुझे बहुत होता था। और आपको अपनी एज से ज़्यादा लगते हो गए, आपकी मैं कितनी उम्र होगी मुझे पता नहीं है ना। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ नी रिप्लेसमेंट, दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नी, इट्स अबाउट योर सोशल एक्टिविटीज़, योर द फ्रीडम इन योर डेली एक्टिविटीज़ एंड द कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी एज नहीं है ना कुछ भी। हाँ जी। अभी हमें बहुत काम करना है, है ना, थोड़ी शादियाँ नहीं होंगी। लेकिन लेकिन जब पेन होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, अपने पेन पर फोकस रहते हैं। प्लस आपने ये भी देखा होगा कि आपका जो मूड है ना वो भी बहुत वेरिएबल हो जाता है, जब आपको पेन होता है ना यू बिकम इरिटेबल। अभी द थिंग इज बिकॉज ऑफ दैट पेन यू नॉट एबल टू डू एनीथिंग, एंड देन द अदर योर फैमिली मेंबर्स पुश यू, हां, कि गो एंड वॉक, यू नो व्हाई आर यू सिटिंग हियर, देन यू गेट मोर इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट। और यही होता था हमारे घर में, मेरे हस्बैंड कहते तू नीचे नहीं जा रही, मेरे बच्चे भी कहते थे मम्मी वॉक क्यों नहीं करने जाते हैं, हां हां हां, आई कांट डू इट, बट और अब क्या कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि घर में बैठ के अब तो ठीक हो गया, तो चलो। सो दैट्स हाउ the scenario of the whole family changes and things become more pleasant and you look forward to future ki hame kya kya karna hai life mein. Definitely. Thank you very much for giving us the thank opportunity. Thank you for convincing me to get the surgery done. Isse pehle karana nahi chah rahe the. Nahi karana chah rahe the. Seriously, main aapse pata nahi milke mere ko mera mind could make up my mind. Nahi to I have met so many doctors before. किसी से मेरे को वो पॉजिटिविटी जो आपसे मिली ना, आई डिड नॉट फील दैट। तो आपने क्या क्या प्लान कर रखा था फिर, सर्जरी नहीं करानी थी तो? आई मीन इतनी जल्दी नहीं कराने का सोचा था कि आई मीन आई वुड कम टू दिस पॉइंट कि इन माय 50s आई विल हैव टू गेट दिस सर्जरी डन, तो मैं इसे अवॉइड कर रही थी कि इतनी जल्दी यू नो क्यों। एक्चुअली ना सर्जरी का टाइमिंग बात ठीक है आपकी, एवरीवन थिंक्स कि यार 60 प्लस तो हो जाए कम से कम, नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो। इट्स अबाउट पेन एक्चुअली, इट्स नॉट अबाउट द एज। Sometimes you have to operate even before 50. So the pain dictates. The pain will decide when you have to get operated. Mm-hmm. And it's all about quality of life. These are not life-threatening conditions. Mm-hmm. But aapki life na aadhi reh jaati hai. Bilkul. Right? Very true. All the best. Thank you so much. Thank you. Thank you to everyone. Now you can see the deformity is corrected because now there is less space between the knee and more between the ankles. Pehle ulta tha. पहले हमारे नी में स्पेस ज़्यादा था और एंकल में कम था, और अब हम अगर इसको करें तो ये हमारा मैकेनिकल एक्सिस आप देखिए, बिल्कुल एंकल नी एंड हिप दे आर इन द सेम लाइन, ये देखिए, दिस दैट मीन्स अवर लेग्स आर नाउ स्ट्रेट। अब आपका जो वेट बेयरिंग है वो हिप नी और एंकल स्ट्रेट लाइन में बेयर कर रहे हैं, पहले वो ऐसे था, और जैसे आप चलते हैं वो डिफॉर्मिटी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। वो मेरे को बहुत लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टेड कमेंटिंग कि योर लेग्स आर यू नो दे आर टर्निंग आउटवर्ड्स, तो उसमें अगर मान लो आपको नोटिसेबल बहुत हो गया था। हाँ, उसमें मान लो आपको कुछ अब इस तरह का कपड़ा पहनना है, शॉर्ट्स पहनना है, तो आप अवॉइड करते हो जनरली। सो दिस इज द डिफरेंस दैट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट मेक्स इन योर लाइफ, आपका चलने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ चेंज हो जाता है। और रितु जी सोशली काफ़ी एक्टिव रही हैं, बट शी वॉज हिंडर्ड बाई हर नी पेन, नाउ शी इज़ बैक टू लाइफ, वो फिर से लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, जो इनका मन करता है, जहाँ भी जाने का मन करता है वो कर पा रही हैं। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये घर की सीढ़ियाँ उतर नहीं पा रही थी, चढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए बाहर निकलते ही नहीं थे। But now you can see, she is confident, she is doing it very smoothly, just like any other person of her age. So it is not just knee replacement, it's a complete transformation of your life and personality.